दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 19 मई 2024 को वृषभ राशि अपनी स्वराशि में शुक्रदेव का प्रवेश होगा, शुक्रदेव का गोचर होगा। 19 मई से लेकर के 12 जून 2024 तक लगभग 24-25 दिन वृषभ राशि अपनी खुद की राशि में शुक्रदेव का गोचर रहने वाला है। यह परिवर्तन अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि मालव्य नाम का पंच महापुरुष योगों में से एक विशेष राजयोग यहाँ निर्मित हो जाता है, और वो निर्मित जो होता है वो चार राशियों के लिए होता है। चार राशियों को विशेष रूप से लाभ मिलता है, उन्हें मालामाल बनाता है वह राजयोग। वो चार राशियाँ कौन सी हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ एक अद्भुत संयोग, अद्भुत युति बन रही है। बृहस्पति भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र और बृहस्पति की युति बेहद अद्वितीय होती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति हो जाए तो वो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, व्यक्तित्व भी बहुत ही विशेष बन जाता है ऐसे व्यक्ति का। और उन लोगों को इस युति के बारे में विशेष जानकारी होगी जिनकी कुंडली में ये युति है, और वो बातों को रिलेट भी कर पाएंगे। जानकारी देंगे हम आपको कि शुक्रदेव वृषभ राशि अपनी खुद की राशि में गोचर करके क्या प्रभाव देंगे, क्या आपको लाभ देंगे, क्या हानि कराएंगे। देखिए, अपनी खुद की राशि में कोई भी ग्रह होता है तो नॉर्मल सा सूत्र कहता है कि बहुत सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, लेकिन जब हम गोचर फल को देखते हैं तो केवल किसी ग्रह को किसी एक राशि में बैठा देख करके उसी के बारे में बोल देना, ये तो वैसे ही हो गया कि हर दिन वही सेम वीडियो रिपीट हो जाए। मतलब हर महीने या हर साल जो युति होती है, जैसे मान लीजिए कि वृषभ राशि में शुक्र का गोचर साल में 2 बार अगर हो रहा है तो वो दोनों बार सेम ही फल होगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं। सेम मतलब एकदम पूरी तरह से वही इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उस ग्रह के साथ मतलब शुक्र के साथ में आज बृहस्पति हैं, तो पिछली बार जब परिवर्तन हुआ था तब कोई और होगा, किसी और की दृष्टि होगी। तो गोचर की कुंडली इसीलिए और युति और दृष्टि संबंधों से भी देखी जाती है। हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर ये बृहस्पति और शुक्र की युति विशेष रूप से क्या करने वाली है, और यहाँ पर सूर्य की भी युति रहने वाली है। तो सूर्य बृहस्पति और शुक्र की युति, और बुध भी आ जाएंगे 31 मई से, तो ये युतियाँ क्या करने वाली, इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, और आपके जीवन में ये 24-25 दिन क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन विशेष रूप से तो ये शुक्र प्रधान परिवर्तन फल है, यानी शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव है। आपको एक जानकारी और दे दें, 28 अप्रैल से शुक्रदेव अस्त हो रखे हैं, अभी अस्त हैं वर्तमान में, और ये जुलाई में उदय होंगे। तो अभी ये गोचर जो वृषभ राशि में है ये पूरी तरह से 100% प्रभावी भी नहीं होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आप कैसे शुक्रदेव का 100% प्रभाव ले सकते हैं, उनका फल प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको लास्ट में वीडियो के उपाय भी बताएंगे। उन उपायों को करके आप शुक्रदेव को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर पाएंगे, विशेष रूप से जो अस्त होकर के जो फल में कमी उनके आ जाएगी उस कमी को आप हटा पाएंगे, यानी कि आप उनका नेचुरल फल जो वो वृषभ राशि में उदय होते तब होता वैसा ही फल ले पाएंगे। तो वो उपाय लास्ट में आपको मिलेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि आखिर विशेष रूप से बृहस्पति, सूर्य और शुक्र की युति ये क्या करने वाली। देखिए, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, शत्रु राशि में है, और शुक्र आपकी भौतिकता है, आपका सुख है, आपकी लग्जरी है, आपका कंफर्ट है, और बृहस्पति जो कि ज्ञान, विज्ञान और बहुत ही ज़्यादा आपके विवेक के कारक बनते हैं। आप ये समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास भी आपके साथ हो, आप सुंदर भी हों, आपके पास में कंफर्ट जोन भी हो, और आप बहुत ज़्यादा धनवान भी हों, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है, धन है, और बृहस्पति यानी ज्ञान भी आपके पास में हो,
यानी कि आपके पास अध्यात्म भी हो, आपके पास में राजनेताओं का सहयोग भी हो और आपके पास में अपार धन संपदा भी हो, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये युति अपने आप में ही बेहद विलक्षण है, बहुत ही ज़्यादा खास है और इसका विशेष प्रभाव भी होता है। लेकिन केवल अगर बृहस्पति और शुक्र की युति की बात की जाए तो ऐसी कुंडलियां जिन कुंडलियों में बृहस्पति और शुक्र की युति या दृष्टि संबंध बन जाता है, ये जिस भाव से संबंध बनाती हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति का जो विचार और जो प्रभाव होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, वो दोहरा हो जाता है। अगर इस युति को आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी आपका मन करता है कि थोड़ा आध्यात्मिक हुआ जाए और कभी आप बहुत ज़्यादा भोग विलास ऐश्वर्य और लग्जरी में खो जाते हैं, कभी आपको बहुत आलस आता है तो कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, कभी आप बहुत ज्ञान भरी बातें करेंगे तो कभी आप बिल्कुल बच्चे बन जाएंगे। इस तरह की चीज़ें बृहस्पति शुक्र की युति भी दिखाती है, युति या दृष्टि संबंध दिखाती है। बृहस्पति और शुक्र की युति से एक विशेष प्रभाव ये भी निर्मित होता है, इस सबके लिए बोल रहे हैं, ये सबको मिलेगा ये प्रभाव कि आप इस बीच में बहुत बड़ा सम्मान भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा विचार और विवेक रखता है, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सम्मानित आध्यात्मिक होता है और उसके पास में सुंदरता लग्जरी और धन इत्यादि भी हो, तो उसकी समाज में प्रशंसा सम्मान और हर प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो एक अच्छी स्थिति ये भी है। लेकिन जैसा कि ये दोहरा मापदंड भी दिखाते हैं, बृहस्पति शुक्र की युति जिनकी कुंडली में होती है और गोचर में भी, तो आप नॉर्मली सभी राशियों के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है कि कई चीज़ों में आप कन्फ्यूज हो जाएं, आप कन्फ्यूज हो जाएं और वहाँ पर आप डिसाइड ना कर पाएं कि यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर के लिए आपको खर्चे करने हैं तो आप वहाँ पर ये सोचने लगे इसके लिए खर्चे करते भी हैं तो ये इस तरीके से रिएक्ट करता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, खर्चे नहीं करने चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी आप सोचने लगेंगे और फिर वही आपका मन करेगा कि नहीं कोई बात नहीं कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। और उसके साथ साथ बृहस्पति और शुक्र की युति से व्यक्ति जो फूड रेस्टोरेंट इत्यादि चलाते हैं, लग्जरी रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तमाम तरह की स्थितियाँ हैं लेकिन यहाँ पर शुक्र सूर्य और बृहस्पति का जो संबंध है वो अद्वितीय है और बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को कैसा प्रभाव यह गोचरफल देने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में, सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। हाँ, आपको यह बता दें यह गोचरफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस गोचरफल को देखें, बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि वालों, आपकी राशि से द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर है। यह शुक्र का गोचर आपके धन संपत्ति को बढ़ाएगा और आमतौर पर देखा जाता है कि शुक्र जब द्वितीय में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर अलग होगा। यहाँ पर आपके धन की स्थिति बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा बचाने की, तो पैसा बचाने की बहुत सोचेंगे। दूसरी स्थिति है शुक्र की, आपके सप्तमेश भी बनते हैं तो आप अगर खर्चे कर सकते हैं तो सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए, और किसी के लिए कोई खर्चे नहीं करने वाले, यहाँ तक कि अपने लिए भी आप खर्चे नहीं करने वाले। जहाँ अपनी बारी आ जाएगी वहाँ पर आप खर्चे करना बंद कर देंगे या कमी करने लगेंगे उसमें। दूसरी स्थिति, शुक्र द्वितीय में बैठ करके अष्टम को देखेंगे और ये स्थिति इस चीज़ को भी दिखाती है कि ऐसे में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं या फिर पार्टनर के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, लंबी यात्रा हो सकती है। दूसरी स्थिति है कि शुक्रदेव आपके पारिवारिक रूप से, अगर आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिल सकती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर के, दो वो भी आपको मिल सकता है, यानी कि आपकी विजय हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सम्मान भी प्राप्त हो सकता है और सबसे अधिक मात्रा में आपके लिए स्थितियाँ पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत अच्छी हो जाएंगी। विदेश संबंधित
कार्य व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में स्थितियां उन लोगों के लिए हैं जो कला संगीत से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास स्थिति ये बन रही है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, शुक्रदेव आपके लिए बनाएंगे मालव्य योग और इससे निश्चित रूप से आप मालामाल होने वाले हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र और सूर्य की युति लग्नगत बन जाए तो मैरिड लाइफ में बहुत सारी समस्या खड़ी कर देता है, जहां कई बार आप अपने डिसीजंस को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, डिवोर्स लें या नहीं। आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां मन करता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, लेकिन भौतिक और सांसारिक चीज़ों को देख करके मन करेगा नहीं, ये सब चीज़ें जिम्मेदारी हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो तमाम तरह की कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में आ सकती है अगर आप मैरिड हैं तो। पार्टनरशिप के व्यापार में भी यहाँ पर ऐसी कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मतभेद मतांतर बहुत होंगे। दूसरी स्थिति कि यहाँ पर शुक्र आपके लग्नगत हैं तो आप राशिगत हैं तो वहाँ पर आप अपने लिए बहुत खर्चे करने वाले हैं और अपने पार्टनर से भी आप अपने लिए बहुत खर्चे करवाने वाले हैं। आपको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट हो सकता है अचानक से आपके पार्टनर आपको देने लगें। विशेष स्थिति यहाँ पर बन जाती है कि आप मालामाल बनने वाले हैं, आपको ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी का टाइम आपके लिए रहने वाला है। शुक्र बृहस्पति और सूर्य की युति लग्नगत होने से बड़ा सम्मान भी प्राप्त होता है, बहुत बड़ा सम्मान किसी राजनेता के द्वारा या किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। और अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थिति ये भी बनती है कि ऐसे में आप अगर लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी से परेशान हैं तो उस परेशानी से हो सकता है आप निकल जाएं। कोई हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको है, शुगर डायबिटीज इत्यादि के पेशेंट हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। विशेष रूप से आपको अगर कहीं आपका कोई पूर्व में अफेयर इत्यादि था तो वहाँ से आपको उस व्यक्ति से बच के रहना है। अगर वर्तमान में भी है तो उससे बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आपके लिए अगर आप फैशन डिजाइनर हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति बन रही है, और ग्लैमर की दुनिया, एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप अगर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, शुक्रदेव का यह गोचर प्रभाव आपके द्वादश भाव में होगा और ये आपको विदेश ले जाएगा, विदेश से संबंधित धन लाभ बहुत प्राप्त होगा, और विदेशी जॉब अगर करते हैं तो वहाँ पर भी विशेष रूप से सैलरी बढ़ने के चांस दिखते हैं। खर्चे अधिक होने वाले हैं और इनकम भी अधिक होने वाली है। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर आपको अपने ठीक विपरीत व्यक्ति से सावधान रहना है, यानी पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष से सावधान रहना है। कोई आपको फंसाने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। विशेष रूप से शुक्र का यह प्रभाव आपके एक्स पार्टनर को आपकी लाइफ में वापस भेजता है और वो आपको मिसयूज करता है, आपको यूज करने की कोशिश कर सकता है। शुक्रदेव का यह प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियां बना देता है जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिना सोचे समझे कर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा आपको। और इन्वेस्टमेंट अगर कन्फ्यूजन या किसी दूसरे के बहकावे या बातचीत से या किसी के आपको किसी ने गाइड भी किया है और उसकी गाइडेंस से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, तो आपको रुकना होगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट आपके व्यर्थ के हो सकते हैं। शेयर मार्केट में ऐसी स्थिति में नुकसान भी हो सकता है, तो शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना होगा। आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और यहाँ पर हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके आपको बहुत हद तक मालामाल बना देंगे। कम मेहनत में बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा और आप अपनी लग्जरी सुख साधन से संबंधित सभी सामग्री जुटा पाएंगे। कोई वाहन परचेस कर सकते हैं और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थिति बन रही कि आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर होगी। आपके शुक्रदेव आपको मालामाल बनाएंगे और आप अगर जॉबलेस हैं तो आपको जॉब दिला देंगे। अगर आपका फील्ड इंटीरियर डिजाइनर से संबंधित है या फिर होम डेकोर से संबंधित आप कोई सामग्री बेचते हैं या बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है या फिर आपके लिए यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट से संबंधित आपका बिजनेस है, ज्वेलरी से संबंधित आपका बिजनेस है, तो वहाँ पर आपके लिए विशेष लाभकारी स्थितियाँ बनने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा खास लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं।
जिसमें आप निश्चित रूप से बहुत ही मालामाल होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए दशम भाव में शुक्रदेव मालव्य राजयोग बनाएंगे, और मालव्य राजयोग का मतलब है कि आप अपने करियर में मालामाल होने वाले हैं। अगर होटल लाइन से संबंधित बिजनेस करते हैं, मीडिया के फील्ड में आप काम करते हैं और सिनेमा के फील्ड में काम करते हैं, तो वहाँ पर आप मालामाल होने वाले हैं। खास करके अगर आप डायरेक्टर हैं या फिर फिल्म इन्वेस्टमेंट करते हैं फिल्म इत्यादि में, यानी प्रोड्यूसर इत्यादि हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियाँ, यानी कि आपका धन का जो निवेश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर धन का निवेश किसी भी मूवी में किया था तो इस बीच में आपके अगर वो मूवी रिलीज हो रही है तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि धन की स्थिति आपकी बेहतर और लाभ की स्थिति बन रही है। उसके बाद में स्थितियां यहां पर कि अगर कोई छोटे व्यापारी भी हैं और कपड़ों से संबंधित व्यापार करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित व्यापार करते हैं, परफ्यूम से संबंधित व्यापार करते हैं या मॉडल्स के कपड़े बेचते हैं, तो वहां पर आपके लिए धन लाभ की स्थितियां जबरदस्त बनेंगी। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन आपको मकान वाहन भी दिलाएगा और बहुत ज़्यादा आपकी धन संपत्ति आप जोड़ पाएंगे। आपको एक चीज़ से विशेष रूप से बचना है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना है, वहाँ पर आपके साथ में स्थिति खराब हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, शुक्रदेव आपके लिए नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाने वाले, यानी प्रमोशन करवाने वाले हैं। आप हो सकता है कि थोड़ा मेहनत कम करें इस बीच में, कंफर्ट जोन मतलब आराम की ज़िंदगी में ज़्यादा आपको मज़े आएँ, लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अपने काम पर ध्यान देना है, तो आप और ज़्यादा बेहतर धन प्राप्त कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रमोशन की स्थितियाँ बन जाएंगी। दूसरी स्थिति, शुक्र यहाँ पर बैठ करके जो तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उससे आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ प्रमोशन भी हो जाएगा, तो अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर मन भटकेगा, और अगर बहुत आध्यात्मिक बहुत बन रहे थे या बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक यात्रा पर थे तो वहाँ से मन भटक सकता है और फिर से लग्जरी में ध्यान आ सकता है, बहुत ज़्यादा आराम की ज़िंदगी में आपका मन लौट सकता है। हो सकता है ससुराल पक्ष से झगड़े भी आपके किसी वजह से हो जाएं और खर्चे अधिक आप करने वाले हैं, ऐसी स्थिति भी बनेगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा, जिससे आप शेयर मार्केट में बहुत लाभ प्राप्त करेंगे, धन लाभ की स्थितियां बहुत बेहतर बनेंगी, इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साइंस के फील्ड में आप बहुत ज़्यादा लाभ कमाने वाले हैं। अगर आप साइंस के प्रोफेसर इत्यादि हैं, साइंस टीचर हैं, वहाँ पर आपके लिए धन लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं, और अगर आप रिसर्च पे काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। शुक्रदेव यहाँ पर बैठ करके आपको बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति भी कराएंगे और धन खर्च भी बहुत कराएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर या आपका एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है और आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में आपकी मुलाकात जरूर होगी इस बीच में, और मुलाकात करके खर्चे भी आपके बहुत होने वाले हैं। शुक्रदेव का यह गोचर फल आपको विदेश पहुंचा सकता है, विदेश यात्रा करा सकता है, लंबी यात्रा करा सकता है, विदेश से संबंधित धन लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर आप कोई फिल्म इंडस्ट्री में संबंधित और ख़ास करके न्यूड फिल्म से संबंधित या फिर OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित आप एक्ट्रेस हैं, तो वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ, या मॉडलिंग के फील्ड में हैं तो वहाँ पर आपके लिए धन लाभ की स्थितियाँ और काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, शुक्रदेव की गोचर की स्थिति सप्तम में बृहस्पति के साथ में होने से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत तनाव भरी स्थिति बना देगा, लेकिन पार्टनरशिप के व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा मालामाल बनाएगा, व्यापार से बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, होटल लाइन से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं। विदेश से संबंधित धन लाभ होगा, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं या विदेशी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको धन लाभ की स्थितियाँ जबरदस्त बनेंगी सबसे अधिक मात्रा में। इस बीच में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत खर्चे करने वाले हैं,
हालांकि आपके भी कुछ खर्चे होंगे, लेकिन आपके लिए खर्चे ज़्यादा करने वाला है आपका पार्टनर, और इसी वजह से उसकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा होंगी, इस वजह से हो सकता है तनाव की स्थिति बने। दूसरी स्थिति कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बैठे शुक्र आपकी सुंदरता बढ़ाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं। अगर इस बीच में आप अपने स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपनी स्किन का, तो आप और ज़्यादा अपने दाग धब्बों को रिमूव पाएंगे और बहुत ज़्यादा आपकी सुंदरता एनहेंस होने वाली है। शुक्रदेव का यह गोचर आपको सबसे ज़्यादा शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाले हैं, यानी कि आप अपने भी पैसे खर्च कराने वाले हैं अपने पार्टनर के भी, और अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थिति यह बन जाती है कि विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है या विदेश से संबंधित आपको धन लाभ हो सकता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ से बचना है कि आप पास्ट की बातें करने से बचना है, और फैमिली प्रॉब्लम अगर मैरिड लाइफ में चल रही है तो उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, और आपकी वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, शुक्रदेव का गोचर षष्ठम भाव में आपको देखिए वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति है, क्योंकि मालव्य नामक राजयोग आपके लिए बनाए, तो आप भी मालामाल होंगे। जो यहाँ पर स्थिति धनु राशि के लिए है, धनु राशि वालों आपके लिए अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थिति बन रही कि आप किसी झूठे आरोप में फंसाए जा सकते हैं, तो इस चीज़ से बचना है। अगर बहुत ज़्यादा आप सम्मानित व्यक्ति हैं तो आपको फंसाया जा सकता है इस बीच में, खास करके आप ठीक विपरीत व्यक्ति सावधान रहना, और कहीं अगर अफेयर इत्यादि है तो वहाँ पर विशेष रूप से फंसाया जा सकता है आपको। शुक्रदेव की बृहस्पति के साथ युति षष्ठम में बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम को भी जन्म देती हैं, तो अगर फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं। शुक्र का संबंध द्वादश से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला हो जाता है और खर्चे इतना कर देता है, हालांकि धनु राशि वाले होते तो बहुत कंजूस हैं, लेकिन यहाँ पर खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि खर्चे ज़्यादातर बीमारियों में होने लगते हैं, या फिर खर्चे इतने ज़्यादा कर देता है व्यक्ति कि वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसे लोन ले लेकर के वो खर्चे कर देता है, क्रेडिट कार्ड के लंबे चौड़े बिल बन जाते हैं, बहुत सारी स्थिति खराब कर लेता है, अपना फाइनेंस बिगाड़ लेता है। तो यहाँ पर आपको सावधानी जरूर रखनी है और सोच विचार करके ही खर्चे करने हैं। विदेश से संबंधित कंपनी में या विदेश में जाकर के जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर स्थिति फिर भी लाभकारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, शुक्र का जो गोचर है वो आपके पंचम भाव में है, और पंचम भाव प्रेम भाव है, विद्या बुद्धि का कारक भाव है। यहाँ पर आपको धन की स्थिति भी बेहतर पाई जाएंगी और प्रेम संबंध भी बेहतर होंगे। उसके साथ साथ आप अगर बहुत ज़्यादा एजुकेशन आपकी अच्छी नहीं भी है तब भी आप अर्न करना शुरू कर सकते हैं। इस बीच में आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी, यानी कि कम पढ़े लिखे हैं तब भी आप बहुत अच्छा करियर अपना बना पाएंगे इस गोचर काल में, और व्यापार करते हैं तो विशेष रूप से लाभकारी स्थिति बन रही है। अगर आप इंटीरियर से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही धन लाभ की स्थिति बनेगी और धन की स्थिति चारों तरफ से बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आपके लिए स्थिति बन रही है कि आप विदेश से संबंधित बहुत लाभ प्राप्त करने वाले हैं। और अगर आपका व्यापार होटल लाइन से संबंधित या कपड़ों से संबंधित है, फैशन से संबंधित है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा चलने ही वाला है। ब्यूटी पार्लर से संबंधित व्यापार है, ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित व्यापार है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा धन की स्थिति बेहतर करने वाला है यह गोचर। उसके साथ साथ आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि दशमेश बनते हैं शुक्र, तो दशम भाव आपका करियर का भाव है, आपके करियर की स्थिति बेहतर होने वाली है। और अगर फाइनेंस सेक्टर में हैं तो वहाँ पर, या CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा आपकी लाभ की स्थितियाँ बनने जा रही हैं इस गोचर काल में। यह स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, मालव्य नामक राजयोग आपके लिए भी बना है, तो आप बहुत ज़्यादा धनवान होने वाले हैं, मालामाल होने वाले हैं। कोई वाहन खरीद सकते हैं, लग्जरी वाहन परचेस कर सकते हैं, मकान परचेस कर सकते हैं, और राजनीति में बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो सकती है इस बीच में। उसके साथ साथ आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी, धन लाभ आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है,
और अधिक मात्रा में करियर की स्थिति बेहतर होगी। मान लीजिए कि सब कुछ ही अच्छा होने वाला है, लेकिन एक चीज में जो बहुत ज़्यादा विशेष आपको लाभ प्राप्त होने वाला है वो है आपके एक्टिंग के फील्ड में आप बहुत विशेष करने वाले हैं, संगीत के फील्ड में आप बहुत विशेष करने वाले हैं, जिससे आप मालामाल होंगे। और आपके चतुर्थ भाव में शुक्र बृहस्पति और सूर्य बुध की युति यानी कि लगभग 5 जून के आसपास में आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, इसके बहुत चांस बनते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, शुक्र आपके तृतीय भाव में गोचर करके आपको आलसी बना सकते हैं और आलस्य से आप बहुत कुछ गंवा सकते हैं। हालांकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होंगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन आलस्य से आपको बचना है। ये आलस्य आपके लिए एक बड़ी समस्या बनेगा। शुक्र की यह स्थिति आपको बहुत ही ज़्यादा खर्चे करने के लिए विवश करती है, तो आप खर्चे बहुत करने वाले हैं और हो सकता है कि आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर दें और शेयर मार्केट में या फिर आप ऐसा कोई सट्टा लॉटरी इत्यादि संबंधित भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस बीच में आप करेंगे इन्वेस्टमेंट और आपके लिए लाभकारी भी रहेगा, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको दूसरों की सलाह बहुत फायदेमंद रहेगी। तो दूसरे सलाह देते हैं जिस पर आप बिलीव करते हैं, और ख़ास करके ऐसे किसी व्यक्ति की सलाह जरूर मान लीजिएगा जिसका राहु अष्टम में हो, और वो आपको अगर सलाह दे रहा है कि आपके लिए यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थितियाँ जरूर बनेंगी। तो दोस्तों, यह था शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और आपको हमने शुरू में ही बताया था कि लास्ट में आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि शुक्रदेव अस्त हैं तो उनका पूर्ण प्रभाव आपको अगर चाहिए तो उपाय भी आपको जरूर करने चाहिए। तो सिंपल उपाय, आपको सुबह स्नान करने वाले जल में बाल्टी में आपको थोड़ा सा गुलाब जल और केसर और रक्त चंदन ये डाल करके स्नान करना है इन दिनों में, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अथवा सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली आपके लिए अगर कुछ है तो वो है अपने पार्टनर के लिए अत्यधिक खर्चे करें, उनके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट, कपड़े या फिर उनकी ज्वेलरी से संबंधित अगर आप खर्चे करते हैं तो इस बीच में आपके बिजनेस व्यापार की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसे खर्चे करने के बाद में गिनाना या उनका एहसान जताना, इन खर्चों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अगर उनके लिए गिफ्ट देते हैं या उनके लिए खर्चे करते हैं तो उन्हें बार बार जताइए मत, उन्हें गिनाइए मत, और उनके लिए खुशी से खर्चे कीजिए। आपके इससे ज़्यादा आपके लिए शुक्र का कोई बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता। आप अपनी यथाशक्ति जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन अपने दिल से अपनी मर्जी से करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।